अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे तेरी लुगाई को जरा भी सहूर ना है, हींग कितने धर रखी है बताओ। अम्मा जा तो रखी सामने, पकड़ा ना सकता है ना से पीटे। हींग कहीं रखी सामने, रखी डालो हींग जरूरी है। जे उम्र में ना से पीटी, हमसे काम करवा रही है, हम सेवा करवा रही है हमसे। है दादी, मम्मी सेवा ना करवा रही, खाना बनवा रही। वैसे आपके लाने तो अच्छी है, प्रैक्टिस है रही है ना से पीटे। प्रैक्टिस की जरूरत ना है, हमें अपने बाप को दे खिला खिला के जे तोंद बाहर निकल आई। बाकी प्रैक्टिस तो को है, गवैया बनने को शौक है को ना। अब तो आदत भी नहीं रही होगी। कछू बोलो, बोल गया। हम ना करेंगे काम ना तो को कहीं मिर्ची लग रही है ना सभी। बहुए का शॉपिंग करवाने के लिए लेके आए हम कि सेवा करवाने के लाने लेके आए। तुम सही कह रही, बिल्कुल जल गई, बिल्कुल सही कह रही। आंधु रज्जू को हम डांटेंगे और खरी खोटी सुनाएंगे। सही है, मतलब काफी सही मिर्ची झोंक की जा रही है बापू हैं। तेरे मुंह ही चल रहा हूँ, एक तना कहते हाथ बटा ली ना तो गाजर खा रही बैठी बैठी और जबान चला रही। देख बापू ऐसा है, मेरे हाथ में ना बस पिस्टल बढ़िया लगा है और मुझे पिस्टल चलानी आती है, जो बहुत लोगों को अभी तक नहीं आती। तो बात ऐसी है कि मेरे हाथ में ना ये चमचे वमचे बढ़िया ना लगते। फिलहाल तेरे हाथ में बहुत सूट कर रहे, तू बना। हाँ जी चाची, आटा गूंद लिया है, देख ले लेते थोड़े थोड़े। ना से पीटे, कौन सा पहाड़ तोड़ दो तूने, है ब्रेक ले लेते हैं और पराठा तेरे फूफा के बनाएगो। अरे ठीक है, हम कहेंगे मतलब पहले ब्रेक ले ले या पहले पराठे सेक ले तो ठीक है, बाद में कायदे से ब्रेक ले लेंगे। हर चीज को टेम होता है, ब्रेक को भी टेम होता है। और घुइया आटा गूंदो है, कितना गीला कर दो, काम कछुआ तो ना सुखा था डालबा में। एक सेकंड, तुम इतना ठहर जाओ ना, तुम इतना काई अच्छी चीज आ रही, सब लोग अलग ही तुम्हारी लाने, देखो तुमने सब मदद कर। अरे घुइया मदद करे, कितनी मिर्ची हमने पहले ही हल्दी डाल दी। तुमने पहले डाल दी थी? अरे दो बार डाल दी क्या? निकाल, ज्यादा पीली पीली हो गई। तू बीच में टांग ना अड़ा, एक तो तेरी लुगाई अपने हिस्सों का काम हमसे करवा रही है। हाँ। हाथ ना लगा, हम हाथ बटा रहे। अरे दादा, बहनी, भैया तू को तो सलाम है यार। कहाँ है सलामी ठोक रहे भैया? कसम से कह रही, अब जाके पता चलो कि सारू किचन में कितनू काम हो तू है, दिन भर घुसी है बिल्कुल लगी पड़ी बिल्कुल। अरे ये तो कुछ नहीं, घर पे सुनो मतलब दुए लोग का खाना बनाते ना, लेकिन आज जाके सच में ऐसा लगा जैसे पूरे बारात के लिए 56 भोग बना रहे। गोभी काट काट के छील छील के, मतलब गोभी गमक उठी हमारे पूरे शरीर में, खुजली। प्याज, प्याज की भूल गो, प्याज काट काट के सारी ऐसी जलन हो रही आंखन में, दम ने कर गो। चोलाल हम ना सीरियसली बोले, अब जैसे बग्गू आएगी ना तुरंत वहीं के वहीं क्लास लगा देंगे, एकदम साफ साफ उसको एकदम ऐसा डांटेंगे ना कि घिग्गी बंद हो जाएगी उसकी। बेटा जी को और से बोलियो, हम इन्हें ब्याह हुआ कराओ बिटिया से, सारे आवाज तो खोलती नहीं है बाकी सामने बैठ। अभी देखना, अभी देखना जब भी आएगी ना ऐसी क्लास। और तुम तो बहुत बड़े ऐसे बोल रहे हो, जैसे राजेश के सामने एकदम डान बने फिरते। अबे घिग्गी बंद जाती, कांपते हो तुम एकदम। नहीं हट, वो का है चोंच नहीं खुलती, तेज तर्रार है, लेकिन एक बार अगर हमने सीरियस होके देख ऐसे घूर, एक बार घूर दो ना पपले आ जाती है बिल्कुल। फिर बदायूं वाली की हालत खराब हो जाती है। हमको देखना, हमको हम हड़का देना। बस बस रुक दियो, रुक दियो बेनी, जल्दी आओ बग्गू। अरे तुमने कुछ खाया कि नहीं? अरे कैसे दुबली लग रही है दूर से ही। बेनी खाने का टाइम ही नहीं मिला, बस गोलगप्पे छोले भटूरे और गुंडे के कबाब, लस्सी, लस्सी भी, लस्सी भी पियो ना। मैं थोड़ी सी वो भी है, बस इसीलिए तो भी खाए। इसीलिए तुम बेहोश हो जाओगे, देखो इतना कम खा रही हूँ ना कैसे। सुनो तुम टेंशन मत लो, बढ़िया अदरक वाली चाय और क्या कहते हैं गोभी के पराठे बना के रखे तुम्हारे लिए कड़ा। हाँ बेनी पता है बाजार में घूमते घूमते मेरे हाथ पे इतने दुखने लग गए ना, क्या ही बताऊं।
अरे तुम चलो तो सही, हम जो है ना गरम पानी में क्या कहते सेंधा नमक कूट के डाल देंगे, एकदम रूह कांप जाएगी, मजा आ जाएगा। आओ चल रज्जू, मैं जा रही हूँ, चाय पियूंगी जाके। हाँ, जाओ। बाय जीजू। बाय बाय। आओ आओ बहुत देर। काय तुम्हारे लाने निमंत्रण पत्र भिजवाए, नेवता जाएगा तब तुम आओगे? ना ना, हम तो कहीं तना उनको हो जाए तो कब आओगे तुम? आराम से मिलेंगे ना, हमने तो खाना भी बना लो बढ़िया, गोभी की सब्जी फ्राई करके। हाँ, गोभी की सब्जी जो उठाओ जो हमें दे दियो। चल बे, बाद में ले लेंगे पैसा, हम शाम को आइए बीड़ी पिलाएंगे। छोले भिगा दिए ना हमने? हाँ छोले भिगा दिए, पनीर सुबह सुबह मंगवा लेंगे। तुम्हें पता? हाँ हाँ। सैंडी भैया को ना पनीर बहुत पसंद है, कुछ ज्यादा ही पसंद है। अच्छा? और हमें तुम? हाँ। सुनो, थकान दूर करने का ढंग से मन कर रहा हूँ, वहीं लिपट गया है। सैंडी भैया को ना कदुआ की सब्जी भी पसंद है, पूरी भी, मतलब इतनी ज्यादा पसंद है कि तीनों टाइम खा सकते हैं। अच्छा सुनो, तो कद्दू लाने नहीं भूलना। बिल्कुल ना भूल। हरो हरो। अरे हरो ही बालू ले आएंगे, पूरो ग्रीन ग्रीन हो जाएगा। सुनो हम का कह रहे हैं, इतना कहते ध्यान तो दियो तुम यार। अच्छा बोलो क्या कह रहे हैं? हम जो कह रहे थे, एक सेकंड, हमने थकान दूर करने को ना एक आइडिया दिमाग में, अबे कौन देगा ना वो आइडिया, सारी थकान दूर हो जाएगी है? कर देगा दूर थकान। भैया ना एक बार समय से रेलवे स्टेशन पहुंच जाए, उनकी ट्रेन टाइम पे आ जाए। सुनो सब ठीक, बस ठीक हो जाएगा। तुम भैया यार दूध पी तो बच्चा नहीं है जो ट्रेन में ना चढ़ पाए ना उतर पाए, आ जाएगा ना टाइम से आ जाएगा। तुम हम पे ध्यान नहीं दे रही, इतना बढ़िया तुमने मूड मतलब गाना को कचरा कर दो। तनक भैया से तो हटो, हम पे ध्यान दो। हम कहाँ आते? रेलवे स्टेशन पे। यार होते तो तुम भैया खड़ो है ना, जब टाइम आ जाएगा तो वो स्टेशन पे आ जाएगा। तुम हम पे ध्यान नहीं दे रही, हम तुम्हारी बाहों में डूबने को मतलब समझ रही। उपाय ढूंढ रहे थे कि कैसे गपच लें थकान दूर सब। चलो डीट आइटम हो है, हार नहीं मानते आसानी से, ट्राई करना है अंत तक। बोलो। हमें सुनी लग रो रज्जू, क्या अपन दो जने तनक ज्यादा बात अन में अब टाइम बर्बाद कर रहे, इतनों अपन ने कभी टाइम बर्बाद करूं नहीं है जितनों आज कर रही है। हम तो कब से कह रहे हैं सो जाओ, बातन में टाइम काहे बर्बाद करना है, हमें सुबह जल्दी उठना है, सारी भैया के पसंद की चीजें बनानी है, तुम्हें कुल 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 करना है। ठीक है, तुम अपनो एक काम करो, जब भैया आ जाए ना इतनी बीच में सुला लेगी ससुर को। अरे हाँ बीच में सोएगा वो, सो जाओ अब। कैसी अब, बात कर? अब हमें बुरो लग गओ। बंद कर दो। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।